जैसा मैंने कहा कि नशा मंदी मंडल महाराष्ट्र के सेक्रेटरी अमोल मडामे जी यहाँ पर हाजिर हैं, तो मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो इस उनवान के तहत अपनी बातें हमारे दरमियान पेश करें। मोहतरम अमोल साहब, साथियों, मैं कुछ नाम नहीं जानता हूँ, स्टेज पर वो उपस्थित हैं, फिर भी साजिद अली खान जी, मिस्टर मोहम्मद सिराज जी और निगोतनी हैं, तौफीक खान जी, इन सभी को सलाम करता हूँ और मेरी बात रखने की मैं कोशिश करता हूँ। मालवनी में एक प्रोग्राम होने के कारण मुझे यहाँ पे आने में देरी हुई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। नशाबंदी मंडल महाराष्ट्र राज्य करके एक एनजीओ है जो 1958 से महाराष्ट्र में कार्यरत है और इस साल हमें नशे के खिलाफ अच्छी तरह से प्रचार करने के लिए राष्ट्रपति ने भी नवाजा है, नेशनल अवार्ड इस वक्त इस साल हमें प्राप्त किया है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि जमात इस्लामी हिंद और नशाबंदी मंडल के माध्यम से कि ये मुहिम जो है वो लगभग ये व्यसन मुक्ति सप्ताह होता है गांधी जी के जयंती के अवसर पर, अगले 8 दिन ये व्यसन मुक्ति सप्ताह चलता है। हमारे भी कुछ लोग महाराष्ट्र में हर जिले पर काम कार्यरत हैं और वो वहाँ पे बहुत से प्रोग्राम लेते रहते हैं। तो जमात के माध्यम से असलम गाजी साहब और सर भी हमेशा हमारे साथ, लगभग डांस बार की जो मूवमेंट थी 2006 को, 12 साल हो गए हम लोग मिलकर ये काम कर रहे हैं। तो वो डांस बार की मूवमेंट के बारे में मैं इसलिए आपको ये एग्जांपल देना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं कि डांस बार कैसे बंद होंगे, लेकिन उस वक्त ऐसी मूवमेंट चली कि काफी ग्रुप जब लगभग महाराष्ट्र से ले 79 ग्रुप हमारे साथ थे और हमने डांस बार विरोधी मंच बनाया और अच्छी तरह से 6-7 महीने बड़ी मूवमेंट चलाई और उसमें काफी हद तक पॉलिटिशियन भी उन्होंने वहां पे सहयोग दिया। और हम देखते हैं क्या, तो 15 अगस्त 2006 को डांस बार बंद हो गया। तो लोग कहते थे 5,000 करोड़ की इंडस्ट्री है और 12 साल पहले, मैं अभी थोड़ा मोटा हो गया हूँ लेकिन उस वक्त मैं कैसा दिखता रहूँगा ये आप सोचो। तो अगर जज्बा हो और डेयरिंग कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि उस वक्त 9 दिन मैंने सभी डांस बार मुंबई के जो है उसमें यानी जाकर वहाँ, तब तक अच्छे अच्छे कैमरा भी नहीं होते थे, मोबाइल भी फोन नहीं होते थे, फिर भी जो भी सामग्री हमारे पास थी वो सामग्री हमने इकट्ठा की और 9 दिन मैं डांस बार में सर्वे किया, वो लड़कियाँ किस प्रकार से नाचती हैं, माइनर लड़कियाँ का कैसा शोषण होता है, ये सब शूट कर उस वक्त गवर्नमेंट को दिया और आज हम देखते हैं कि ऑफिशियली डांस बार बंद है। तो ये एग्जाम्पल मैं इसलिए देना चाहता हूँ कि हम निराश ना हो कि ये सब चीजें बंद नहीं हो सकती है, ऐसी बात नहीं। अगर डांस बार बंद हो सकते हैं कि जो 5,000 करोड़ की इंडस्ट्री उसको कहा जाता था, हर जो डांस बार चलाने वाला मालिक होता है वो 2 मर्डर 3 मर्डर किए हुआ आदमी होता है, होता था उस वक्त, और ऐसे लोगों से हमने संघर्ष किया। मुझे काफी फोन आते थे कि मार डालेंगे, ठोक डालेंगे, तो मैंने भी उनको कहा भाई कहाँ आना है वो बताओ, हम आने के लिए तैयार हैं। तो थोड़ा डेयरिंग करेंगे तो ये सब चीजें बंद हो सकती हैं। अभी डांस बार तो एक चीज ऐसी है वो दिखी आती है, वो बुराई जल्दी नजर आती है, लेकिन ये जो नशा है, आमतौर पर शराब के नशे को लोग ज्यादा क्या कहते हैं, वो ज्यादा बदनाम है,
और होना भी चाहिए, उसके बारे में कोई शंका नहीं है। लेकिन हम लोग सब समझ ले कि नशा जो है एक मानसिक बीमारी है। यानी या पहले तो आदमी मौज मस्ती के लिए या क्या चीज है करके वो ट्राई करने की कोशिश करता है, लेकिन एक ऐसी चीज आ जाती है, एक ऐसा मोड आ जाता है कि जब वो उस पर डिपेंड हो जाता है, तो डिपेंड होने के बाद वो बीमार हो जाता है। यानी ये मानसिक बीमारी होने के कारण आप देख सकते हैं कि लड़के ने माँ के सर पे एक स्क्रू ड्राइवर डाल दिया क्योंकि उसने शराब के लिए पैसे नहीं दिए। तो ये जो मेंटेलिटी आती है वो डिपेंडेंसी से आती है, और इसलिए ये थोड़ा कार्य मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अभी चंद्रपुर में दारूबंदी हुई, वर्धा में दारूबंदी हुई, गढ़चिरौली में दारूबंदी हुई, लेकिन दारूबंदी का निर्णय तो हो जाता है, जीआर निकल जाता है, लेकिन उस जिले में अगर समझो 5 लाख लोग डिपेंडेंट है यानी बीमार है, और उनका इलाज अगर हम नहीं करेंगे तो ये दारूबंदी या जो भी गुटखा बंदी हो या किसी भी प्रकार की बंदी हो, ये सक्सेस कैसे होगी। तो हमें ये समझ के लेना चाहिए कि जब हम बंदी की डिमांड करते हैं, जो डिपेंडेंट लोग हैं वो डिपेंडेंट लोगों को जो बीमार है उनको सुधारने की भी कोशिश एक बाजू में चलनी चाहिए। अगर ये कोशिश ना हो तो ये सब जो मूवमेंट चलता है ये थोड़ा मुश्किल बन जाता है, ज्यादा कठिनाई आती है। तो ये एक बात होगी कि मैं एक टेक्निकल लेवल पर ये बात रखना चाहता हूँ, एक मानसिक लेवल पर ये बात मैंने आपसे कही। दूसरी बात यह है कि कल्चर जिस तरह से हर समाज में बदल रहा है, जो हमारा बेसिक कल्चर है वो कल्चर अभी रहा नहीं। पहले के जमाने में मैं हमेशा ये एग्जांपल देता हूं कि जब आप लोग जवान होंगे, थे जब जवान होंगे, तब आपका सुपरस्टार था राजेश खन्ना, और उस वक्त कवि भी, लेखक भी और फिल्म के कलाकार भी इस प्रकार से बात करते थे कि आए दिल चल पी कर झूमे, इन बस्तियों में घूमे, यहाँ तुझे बदनाम तो होना है, हुआ हुआ हुआ। यानी उस वक्त का हीरो, उस वक्त का जो कल्चर था, उस तक का सांस्कृतिक माहौल जो था, जो प्रेजेंटेशन था, वो हीरो भी कहता था कि तुम्हें बदनाम होना है, तुम अगर शराब पियोगे तो बदनाम होंगे। लेकिन आज का माहौल इस प्रकार से, जो मैं यंगस्टर्स के लिए बताना चाहता हूं कि आज का हीरो ये है कि वो हीरो भी ऐसा है कि उसके हाथ में शराब रहती है, तो आज हीरो और विलन के बीच में कोई अंतर नहीं रहा। यानी जो दिखता है वो बिकता है। देखिए, शराब के कंपनियों को सबको शराबी नहीं बनाना है, उनको हर साल बस 20% सेल बढ़ाना है, क्योंकि 100 में से 12 लोग शराबी हैं। अगर 100 लोग दारू पीते हैं या नशा करते हैं तो उसमें 12 लोग पूरे शराबी है, लेकिन 88 लोग तो कभी कभार पीते हैं। तो उनकी स्ट्रैटेजी क्या है कि हर साल हमें 20% सेल बढ़ाना है। तो इसलिए हर फिल्म में एक गाना रहता है, एक गाना शराब पे जरूर रहता है, और हीरो भी इस प्रकार से दिखाया जाता है, वो कम पीता है, मूड में पीता है और दंगा नहीं करता है, लेकिन वो पीता जरूर है। तो ये जो कल्चर हम पर थोपा जा रहा है, यानी ये लड़ाई सिर्फ इतनी इजी नहीं है, कहां कहां से हमले हो रहे हैं, कहीं पे भी जाओ पोस्टर दिख जाता है, कहीं पे भी हम कुछ भी नजारा हम देखे तो वहां पे वो शराब का प्रमोशन चालू रहता है। तो हर चीज में शराब का प्रमोशन चालू है। तो ये सब बातें हमने कोशिश की, हमने स्कूल के सिलेबस में लाने की कोशिश की। पहले कुछ नहीं रहता था कि एकाध चैप्टर उसमें रहे कि लोगों को बताया जाए, कि बच्चों को पहले से बताया जाए कि इस प्रकार से शराब पीने से या नशा करने से कौन से कौन प्रॉब्लम होते हैं ये बताया जाए, इसकी कोशिश हमने की। तो आज बाल भारती के माध्यम से 8वीं और 9वीं के पाठ्य पुस्तक क्रम में
कुछ चैप्टर्स भी इंक्लूड किए गए हैं। हमारी कोशिश आज ऐसी है कि दसवीं के और बारहवीं के बच्चों को, यानी जिस एज में ये नए चीज का ज्यादा अट्रैक्शन होता है, ये क्या चीज है, ये चीज का जो अट्रैक्शन होता है, वो समय में हम ये चैप्टर्स इंक्लूड करने की मांग अभी कर रहे हैं। तो ये चीज ऐसी है कि यहाँ पे एनजीओ के लोग चाहिए, गवर्नमेंट के लोग चाहिए, यानी जो भी सब लोग आज समाज को चला रहे हैं। अभी डॉक्टर तो कहता है अरे एक दोन पैक पी ले तो काय प्रॉब्लेम नहीं, ब्लड प्रेशर चांगला रहता। तो ये नॉर्मली भी अगर लोग ऐसा कहें तो फिर भी लोग कहते आम्हाला डॉक्टर ने सांगितलं अटल बिहारी वाजपेयी दोन पैक पाहिजे रोज, म्हणून एवढे दिवस जगले। तर मग दोन पॅक पिल्याने काय प्रॉब्लेम नाही, पण दोन पॅकचे दोन पॅकच होतात का? एक बार भी आदमी ने शराब पी ली तो पूरे चांसेस है कि उसमें 20% लोग शराबी बनेंगे। ये यानी ये मैं मनगढ़ंत आंकड़े बता रहा हूं, ये नहीं तो ये साइंटिफिकली प्रूव है ये सर्वे, कि अगर एक बार भी किसी ने शराब चख ली तो वो उसमें से 20% लोग शराबी बनेंगे। तो वो दो पैक के दो पैक पे नहीं रहते हैं। अभी अटल जी का संयम बहुत बहुत चीजों में रहा है, हमने शादी नहीं की लेकिन शादी के मंडप से गए ऐसा उन्होंने कहा है, तो उनका संयम बहुत चीजों में रहा है। तो ऐसे सब लोग तो नहीं रह सकते ना। और आज का और दूसरी बात मैं कह दूं कि कुछ लोगों को शराब के बारे में मैंने आपसे बात की, लेकिन सबसे बड़ा जो नशा है जो सस्ते में मिलता है और उसको नशा नहीं कहा जाता है, वो है तंबाकू का नशा। तंबाकू का नशा सबसे डेंजर नशा है, जो कि सबसे बड़ा आतंकवाद अगर किसमें फैला है तो वो तंबाकू से फैला है। कसाब के माध्यम से 160 लोग मारे गए, फिर हर जगह पे कैमरा आ गए, जो मराठी म्हणता काळूवरच लोणी खाणं, आतंक के बाद हर जगह पे कैमरा सिक्योरिटी फुल काम हो गया, लोगों का बिजनेस बढ़ गया। ये तंबाकू ऐसी चीज है कि दिन में 2500 लोग तंबाकू के सेवन के माध्यम से मर रहे हैं और साल भर में लगभग 1,000,000 लोग तंबाकू के सेवन से मर रहे हैं। यानी किधर 160 लोग और किधर ये 1,000,000। तो पूरी तरह से हमारा नजरिया कहां पे फोकस होना चाहिए और किस चीज के लिए काम होना चाहिए, ये भी हमने ध्यान में रखना है। आप में से बहुत से लोग एकदम सहज आपलं काय सहज आपण खातो, तंबाकू काय नशा आहे काय, नशा विषय नाही, काय काय जिल्ह्यांमध्ये तर आला तुम्ही आलात काय तंबाकू घ्या तुमचं स्वागत आहे। यानी कुछ लोगों में ये कल्चर भी है। जो मेरा कहना क्या है कि अभी अगर चंद्रपुर में आप जाओगे तो तिथले आदिवासी म्हणतात अरे आमच्या देवालाच दारू लागते, तू दारू बंदी कशाला करतो, आमचा देवच दारू पितो, मग आम्ही सगळं प्रसाद म्हणून नंतर दारू पितो। तर हे एवढं अलग अलग सब्जेक्ट इसमें इन्वॉल्व आहे, इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व आहे, इतने इसमें बिजनेस इन्वॉल्व है, इंटरनेशनल लेवल का बिजनेस इन्वॉल्व है, इसमें कल्चर इन्वॉल्व है। तो ये चीज से लड़ा कैसा चाहे, तो ये सबसे मुश्किल बात है। हमने एक कोशिश ये की है, ज्यादा दोनों मिनट गए तो क्या टेंशन, देखो इतनी बड़ी समस्या है लेकिन 8 मिनट में बोल रहा हूं, ये तो मोदी के जैसा ही हो गया ना, 5 साल में पूरा परिवर्तन चाहता है, मन की बात करते करते अभी दिल की भी बात नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारी कोशिश यह है कि हर कॉलेज में हम एक प्रोजेक्ट गवर्नमेंट को दिया है
और मैं चाहता हूं कि जमात इस्लामी हिंद के माध्यम से भी अगर ये पहल हो, अगर आप कर पाओ कि हर कॉलेज में एक 20 लड़कों का, लड़कियों का, 10 लड़के 10 लड़कियां, एक ऐसा क्लब बने कि जिसको कहा जाए यूथ अगेंस्ट LTD लिमिट, L फॉर लिकर, T फॉर टोबैको, D फॉर ड्रग्स। तो हम क्या करेंगे, जुलाई से लेकर फेब्रुवरी तक ये 10 महीने के अंतराल में हर महीने कुछ ना कुछ प्रोग्राम, क्योंकि क्या होता है कॉलेज मध्ये गेलो का तू बियर पीत नाही, तू आयला लेडीज आहेस, तू मुली बियर पितात, तू तर पीत नाही, म्हणजे जो पीत नाही तो मूर्ख आणि जो पितो तो शाना। ये माइनॉरिटी में जो बच्चे आ जाते हैं फिर वो पीयर प्रेशर होता है यार, चाहेला आपले चिडवतात, मग आपल्याला गेलं पाहिजे। तो हम ये चाहते हैं अगर ये महाराष्ट्र में ये प्रोजेक्ट, हमने पिछले मंथ में एक मीटिंग हुई थी सामाजिक न्याय मंत्री से, तो ये प्रोजेक्ट हमने रखा, तो अगर समझो महाराष्ट्र में लगभग 3000 कॉलेजेस हैं, 20 लड़के लड़कियां मिलकर ये प्रोजेक्ट उनके ही एरिया में उनके कॉलेज के स्तर पर अगर लागू करे लगाए तो 60,000 बच्चे हर साल इस विषय पर प्रबोधित होंगे, उन्होंने भी जिंदगी भर किसी नशे को नहीं छुआ तो भी कितना बड़ा काम हो सकता है ये। और हम बच्चों को ये बताते हैं क्योंकि आज माहौल सब प्यार वाला माहौल है, हर फिल्म में प्यार के गीत, प्यार के गीत, आज तक 5-1 लाख रुपए, 5-1 लाख तो गीत बन गए होंगे प्यार, बराबर ना। तो लोगों की ये बोलते हैं हम लोग वैलेंटाइन डे के अवसर पर, आप प्यार करो, साथी अपना अच्छी तरह से चुनो, लेकिन चुनना है तो क्या चुनना है। मैं कल भी एक एग्जांपल दिया वहां पे गेटवे ऑफ इंडिया पे, कि लोग कहते हैं मी माझ्या माझ्या बापाची पितो, तुझं काय झालं, तुझ्या आईला तुला काय होतो, अरे तू तेरे बाप की नहीं पिता है भाई, तू आने वाले 5 पीढ़ियों को, नस्ल को ये करना है, उसका माहौल खराब करने की कोशिश होती है। एक कपल था, यानी ये लड़कों लड़कियों को इसलिए बताना है कि क्यों किसी भी नशे से हमें दूर रहना है। अगर मियां कुछ नशा करता है किसी भी प्रकार का, अभी अपने में तो नशा हराम है, मैं अपना आईडेक्स पीतो, सॉरी आईडेक्स नहीं थे, सिरप पीतो, शराब नहीं पीना है, सिरप पीना चलता है। अरे बाबा कुठून पण कशी पण येऊ दे, नशा ही वाईटच आहे, त्या काळात शराब होती म्हणून ते गुन्हाचं पाणी होतं, आता वेगवेगळे प्रकार आले, गोळ्यापासून सगळ्या प्रकार आले, ये जो हम लोग गोलियां लेते हैं, केमिकल लेते हैं, ये भी नशा है, और लोग इसलिए अपने में से कुछ लोग सिरप पी के नशा लेते हैं। तो शराब ही सिर्फ गुनाह नहीं है, तो हर चीज जिससे नशा आता है वो हर चीज गुनाह है, ये हमने समझना है। पर आता लिहिलंय ना, अरे लिहिलंय त्याच्याकडे, त्याच्या पलीकडे समजण्याची अक्कल असली पाहिजे ना, आणि जे सगळं लिहिलंय ते तू जर पाळायला लागला तर आमच्या सारख्या लोकांची गरजच पडणार नाही। तो ये प्रोजेक्ट हमें आगे जाके लेना है। अगर मिया कोई भी शराब पीता है तो 40% चांसेस है कि आने वाली जो नस्ल है वो किसी ना किसी व्यसन में रहेगी, लेकिन दोनों भी इतनी इक्वेलिटी आ गई है कि अगर हम दोनों भी पिए तो क्या हो, तो बोला 80%, अरे 80% नहीं, 400% चांसेस है कि आने वाली जनरेशन ये शराबी होगी या नशे में धुत रहेगी। इसलिए नए लड़कों को ये हम बताने की कोशिश करते हैं कि आप आपका जोड़ीदार चुनो वैलेंटाइन डे पर। 4-5 साल पहले प्रोग्राम किया था मरीन ड्राइव पर, हमने बारात निकाली थी, हमारे कुछ साथी थे वो शादी करने वाले थे, तो उनकी हमने बारात निकाली घोड़ों पर, तो मीडिया वालों को बुलाया आ जाओ वैलेंटाइन डे पर, हमारा नशाबंदी मंडल का प्रोग्राम है। अरे तुम्हारा क्या काम नशा और वैलेंटाइन डे का, तुमका क्या, तुम्हारा क्या काम? अरे बोललो आमचं तर सगळ्यात महत्त्वाचं आहे, जर तुमचं प्रेम फुलवायचं असेल, टिकवायचं असेल, तर निर्व्यसनी जोडीदार निवडायला पाहिजे, हे सांगण्यासाठी आम्ही व्हॅलेंटाईन डे सेलिब्रेट करतो।
हमारा ये कहना है कि हर चीज जिसमें यूथ अट्रैक्ट है वो हर चीज को आप अपने मूवमेंट से जोड़ो तो लोग आएंगे। उस वक्त वैलेंटाइन डे के अवसर पर मरीन ड्राइव पर काफी लोग रहते हैं, कई काफी कपल रहते हैं, उनको हम वो पैम्पलेट देते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि आपन काला शोधा गोरा शोधा माझ्या रंगा बुटका शोधा काय प्रॉब्लेम है, पण दारू पिणे वाला शोधू नका। कारण दारू जर पिणारा तुम्ही शोधलात तर ड्रायव्हर्सच्या केसेस, कुटुंब बर्बाद झालेच्या केसेस, मुलांवर दुष्परिणाम होण्याचे केसेस हे वाढलेले आहेत आणि त्यामुळे अगर चुनना है तो निर्व्यसनी जोड़ीदार हमें चुनना है, ये मैसेज हम देने की कोशिश उस वक्त करते हैं। तो साथियों अभी ब्रीफ में एक मिनट में मैं खत्म करना चाहता हूँ कि ये लड़ाई जो है रस्ते पर आकर भी लड़नी है, इस प्रबोधन से भी लड़नी है और कल्चरल जो भी माहौल बिगड़ा हुआ है उस माध्यम से भी हमें लड़नी है और हर जगह पे अपने विचार के लोग कैसे रहें। हर स्टेज पर मैं कहीं पे भी जाता हूँ, कौन सा भी प्रोग्राम है, अम्बेडकर जयंती का प्रोग्राम रहने दे, कौन सा भी, आज मैं मालन मालवीय में था, वो स्वच्छता मुहिम थी, स्वच्छ भारत मुहिम, गांधी जी को आज झाड़ू के इसमें बस खत्म, गांधी का यानी। और ये एक बार ये लोग आ गए तो सिर्फ गांधी जी झाड़ू पर ही दिखने वाले। तो हर जगह पर जहां पर भी आप हो, कौन सा भी सब्जेक्ट हो, दो मिनट तो नशे के खिलाफ हमें बात करनी है, करनी है, ये ठान लो हमें ये करना है। और मैं आपको कह दूं, शुभांगी पारकर जो कि केएम की डीन है, उन्होंने कहा था पिछले बार हमने रविंद्र नाट्य मंदिर में लगभग 1500 यूथ हमने बुलाए थे, उसमें उसने कहा था कि दुनिया की सारी नशा तुम समुन्द्र में बुड़ा डुबा दो फिर भी नशा करने वाले लोग नहीं। ऐसा क्यों? उनका कहना है अगर एक सीधी बात यह है, अगर मैंने ठान ली कि मुझे नशा नहीं करना है तो कुछ भी हो जाए मैं नशा नहीं करूंगा। तो इसका इलाज एक ही है, मनाचा ब्रेक, अगर मनाचा ब्रेक ठेवला तर आपण याच्यातून मुक्त होऊ शकतो और ये अध्यात्म से ही ज्यादा हो सकता है। तो भगवान ईश्वर अल्लाह गॉड इसकी जरूरत क्या है, तो मन को कंट्रोल करने के लिए इसकी जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है। जो खुद को कंट्रोल कर लिए उसे भगवान की जरूरत नहीं है, लेकिन जो कंट्रोल में नहीं है उसको कंट्रोल में रखने के लिए, उसे नियंत्रित करने के लिए, त्याला दबावात ठेवण्यासाठी देवाची गरज आहे आणि हे अध्यात्म के ही माध्यम से ये मूवमेंट जोर से चल सकती है, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। धन्यवाद आपने मुझे इसे इस ये बुलाया और इस विषय पर बात रखने की मौका दिया, धन्यवाद।